तो भाई यहाँ से कुछ तगड़ी ही चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। तो दोस्तों तुगलक दौर में इस जगह पर मीना बाज़ार लगा करते थे। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक पर्सनल सजेशन दूंगा, अगर आप इस किले के अंदर विजिट कर रहे हैं तो जिस जगह मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पे विजय स्तंभ, इस जगह पर ज़रूर विजिट करें। समय के बीतते हुए ये खंडर हो गई है और यहाँ पर जो है मदरसे का हिस्सा बताया जाता है। तो दोस्तों अब मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये इस किले की सबसे ऊंची जगह मानी जाती है। ये पूरा व्यू देख सकते हैं आप इस किले का दोस्तों, सामने जो देख रहे हैं आप वो है अशोक स्तंभ। और इस किले के जो खंडर होने की जो कहानी है, जो रहस्यमयी बात है, जो शराब वाली बात है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों। अब तो दोस्तों किंग पैलेस के बाद में अब हम यहाँ से जो देखेंगे आप, ये किले का पूरा नज़ारा आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो अभी चल रहे हैं हम वहाँ से और वहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी, मस्जिद, मदरसा और भी बहुत सारी चीज़ें। चलिए दोस्तों उधर उस तरफ चल रहे हैं अभी हम। तो दोस्तों हम यहीं से एंट्री किए थे हमने और हम उस तरफ चले गए थे बावली की तरफ, और अभी हम चल रहे हैं इस किले के मेन हिस्से की तरफ। और ये देखेंगे आप इसे कहा जाता है जंगली पत्थर, और इसके ऊपर है ये अराइवल स्टोन, एक तरीके से ये टाइल्स का काम करते थे उस टाइम पे। तो भाई यहाँ से कुछ तगड़ी ही चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। अब चल रहे हैं मेनली किले के अंदर कुछ खास खास चीज़ों की तरफ। उस तरफ जो था वो खंडर वाला हिस्सा था ज़्यादातर, और यहाँ पर ज़्यादातर विजिटर्स आते हैं जिस जगह हम जा रहे हैं। तो दोस्तों अब मैं जिस जगह पे आ गई, ये इस किले का बताया जाता है कि मेन पार्ट है एक तरीके से, और यहीं पे ज़्यादातर विजिटर्स विजिट करते हैं क्योंकि उस तरफ का जो पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा खंडर है, सुनसान रहता है ज़्यादा टाइम। और उस ये तरफ देखेंगे कि ये किला जो है तीन हिस्से में बटा हुआ है। उस तरफ देखेंगे वो किंग पैलेस का आप लोगों को दिखेगा पूरा यहाँ से व्यू, और इधर जंगल है बहुत ज़्यादा भाई, बिल्कुल खाई है एक तरीके से। और मेरे पीछे देखेंगे ये बुर्ज है, और यहाँ से सैनिक पहरादारी करते थे, तो वो किस तरीके से बचाया करते थे थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ आइए। तो दोस्तों देखेंगे आप कि किस तरीके से जो सैनिक हुआ करते थे वो इस किले का बचाव किया करते थे। जैसे कि मैंने आप लोगों को यासुद्दीन तुगलक के मकबरे में भी दिखाया था कि इन होल्स का प्रयोग वह आक्रमण करने के लिए साथ ही साथ अपने बचाव के लिए भी किया करते थे। देखिए भाई बहुत ही ज़्यादा तगड़ी चीज़ है ये, हवा आ रही है बहुत मस्त इसके अंदर से, एक तरीके से वेंटिलेटर का काम कर रहा हूँ ये, ऐसा लग रहा है। तो ये देखिए, तो दोस्तों ये किले का सेकंड पार्ट है और मैं आप लोगों को अब दिखाने वाला हूँ गेस्ट हाउस जो यहाँ पर है। तो दोस्तों ये जो रास्ता देख रहे हैं आप ये उनके गेस्ट हाउस की तरफ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर बताया जाता है कि ये जो आप पूरा देख रहे हैं ये गेस्ट हाउस है, और दोस्तों एक गेट उधर से आने का भी है लेकिन वो तरीके किस तरफ से पता नहीं। बाकी आप ये जो देखेंगे ये पूरा गेस्ट हाउस है उस टाइम का, और इसकी छत पे जाने का भी रास्ता है लेकिन जाके कोई फायदा नहीं क्योंकि उस तरफ पूरा जंगल ही जंगल है। और ये देखेंगे जो इसकी नया नया मसाला लगा हुआ है, ASI ने इसकी मरम्मत करवा रखी है, और पहले खंडर था लेकिन अब आप लोगों को थोड़ी सी अच्छी कंडीशन में देखने के लिए मिल रही है। तो दोस्तों अब चल रहे हैं किले की दूसरी तरफ। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को इस किले के खंडर होने की वजह मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो बताया जाता है कि यहाँ पर जो सूफी संत हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़ार है वो आप लोगों को पता है कि दिल्ली निज़ामुद्दीन में है, और बताया जाता है कि उस समय हजरत निज़ामुद्दीन यहाँ पर आए थे और उन्होंने राजा से एक गिलास पानी मांगा था, तो राजा ने उन्हें मना कर दिया था, तो उन्होंने राजा को एक श्राप दिया था। और दोस्तों उस समय हजरत निज़ामुद्दीन ने राजा से कहा था कि तुझे जो तेरा सबसे चाहने वाला है उसी के हाथों तेरी मौत होगी, यानी कि जो सबसे बड़ा बेटा था उनका मोहम्मद बिन तुगलक उन्हीं के हाथों से उनकी मौत होगी। तो बताया जाता है कि उसके पीछे भी इस किले के खंडर होने की कहानी है, और एक कहानी और रहस्यों के पन्नों में दबी हुई है जो कि मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताता हूँ। और दोस्तों आप मेरे पीछे जस्ट देखेंगे तो वो जो जगह आप देखेंगे, और बताया जाता है कि वो शोक स्तंभ है, जब सेना हार जाया करती थी उस समय में तो राजा उस सेना को एक तरीके से मोटिवेट करने के लिए वहां से उन लोगों को मतलब बताता था और समझाता था, मतलब प्रोत्साहन करता था उनका। और जिस जगह मैं भी खड़ा हूँ बताया जाता है कि उस समय में ये खंडर हो गई अभी,
फिलहाल समय के बीतते हुए ये खंडर हो गई है और यहाँ पर जो है मदरसे का हिस्सा बताया जाता है। ये पूरा आप देखेंगे तो यहाँ से वहां तक पूरा मदरसे का हिस्सा है। सामने आप देखेंगे वो मदरसे का आपको गेट देखने के लिए मिलेगा। जस्ट उसके ही आप साइड में देखेंगे तो आप लोगों को मस्जिद देखने के लिए मिलेगी। तो मैं आप लोगों को करीब से दिखाता हूँ उसका थोड़ा सा व्यू। दोस्तों इसे देख रहे हैं आप, यही है मदरसे का जो दरवाजा है। देखेंगे आपने इसमें कितनी खूबसूरत तरीके से मेहराब बनाई गई है। ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो ये देखिए दोस्तों इसकी बनावट आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे देखेंगे आप शायद इस जीने को देख करके लग रहा है कि ये दो मंजिला हुआ करती होगी इस टाइम पे। और ये देखेंगे दोस्तों सामने ही आप मेरे मस्जिद है, ये मस्जिद है और इसके अंदर आना जाना अलाउड है, हालांकि अभी यहाँ पर इबादत नहीं होती है। तो दोस्तों मैं एक और पॉइंट की तरफ आ चुका हूँ। अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ उस समय का मीना बाजार पे चल रहा हूँ। मीना बाजार की तरफ जो देख रहे हैं आप मेरे सामने, ये मीना बाजार है। तो दोस्तों तुगलक दौर में इस जगह पर मीना बाजार लगा करते थे और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह की उनकी दुकानें हुआ करती थी। आइए तो ये देखेंगे आप इसकी डिजाइनिंग। ये खंडर हो गया भाई पूरी, अंदर सिर्फ चमगादड़ ही चमगादड़ है। अगर मैं आप लोगों को अंदर दिखाऊं तो ये देखिए अंधेरा है और चमगादड़ ही चमगादड़ आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों इसके अंदर का मैंने आप लोगों को व्यू दिखाया और आप ये जो देख रहे हैं ये बेसिकली जो यूज किया जाता था, क्योंकि आपको पता है उस समय पे कोई इलेक्ट्रिसिटी का इंतजाम होता नहीं था, तो यहाँ पर रोशनी करने के लिए यहाँ पर दिया रखा जाते थे और एक तरीके से मिसाल के तौर में मिसाल जला करके लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। और बाकी ये पूरा व्यू देखेंगे, ये दोस्तों उस समय का मीना बाजार लगा करता था यहाँ पर। और दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर जगह जगह एक तरीके से वेंटिलेटर के लिए मान सकते हैं आप, और रोशनी के लिए जगह जगह से खुले हुए हैं ये देख सकते हैं। और यहाँ से स्टेयर्स है ऊपर जाने के लिए। तो बाकी सेम चीजें हैं इसके, और आपको हर एक दो दुकानों के बाद में रास्ता देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो स्टेयर्स देख रहे हैं भाई ये एकदम खड़े हैं और यहीं से आना जाना किया जाता था उस टाइम पे, तो भाई बड़े ही संभल के चलना इस पे। तो दोस्तों अभी मैंने आप लोगों को दिखाया मीना बाजार यहाँ का, और अब मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूँ जो इस किले का आखिरी पॉइंट होने वाला है। वो ऊपर देखेंगे आप, वहां चल रहे हैं दोस्तों आप। तो दोस्तों अब मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये इस किले की सबसे ऊंची जगह मानी जाती है, जिसे कहा जाता है विजय स्तंभ। और बताया जाता है कि उस समय पे मैं आप लोगों को दिखाऊं इस किले का पूरा व्यू, यहाँ से आप देख सकते हैं और ये पूरा व्यू देख सकते हैं आप इस किले का। दोस्तों सामने जो देख रहे हैं आप वो है अशोक स्तंभ, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था। और दोस्तों ये जो विजय स्तंभ है जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता था वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये जो विजय स्तंभ है इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता था कि जब जो सेना हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा बड़ी सेना हुआ करती थी उनकी, तो जो सेना जीत करके आती थी तो यहाँ पर बैठ करके राजा उन्हें शाबाशी दिया करता था, इसलिए इस जगह को कहा जाता है विजय स्तंभ। और दोस्तों इस किले की जो दूरी नापी जाती है वो 6 किलोमीटर की नापी जाती है। आपको मैं दिखाऊँ दूर दूर तक, आप जो उस तरफ देखेंगे वो जो आप हिस्सा देख रहे हैं दोस्तों, उस हिस्से वो हिस्सा भी इस तुगलकाबाद किले के अंदर ही आता है। और मैं आप लोगों को दिखाऊं थोड़ा सा और आगे आकर के, देखेंगे आप आजा आगे। और दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, आप यहाँ पे देखेंगे इस किले का अधिक यहाँ पे भी कुछ हिस्सा आप लोगों को दिखेगा जो कि खंडर हो चुका है। और ये पूरा जो देखेंगे आप ये तुगलकाबाद गाँव, तो दोस्तों ये जो जगह है इसको तुगलकाबाद गांव कहा जाता है। और मेरे जस्ट सामने आप देखेंगे इस तरफ, तो ये जो देख रहे हैं आप ये है दोस्तों आदिलाबाद का किला, जो आदिलाबाद का किला बनवाया था वो ग्यासुद्दीन तुगलक के बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। और मैं आप लोगों को दिखाऊं इसके सामने, जैसा मैंने आप लोगों को बताया ग्यासुद्दीन तुगलक का मकबरा, तो देखेंगे आप ये सामने ही ग्यासुद्दीन तुगलक का मकबरा है दोस्तों। ये जो मकबरा है ग्यासुद्दीन तुगलक का मकबरा है, और इसके आसपास पूरा देखेंगे आप यहाँ से वहाँ तक पूरा 6 किलोमीटर का दायरा बताया जाता है इस किले का, जिसमें कि आदिलाबाद का किला भी आता है। तो दूर दूर तक जंगल ही जंगल देखने के लिए मिलेंगे आप। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक पर्सनल सजेशन दूंगा, अगर आप इस किले के अंदर विजिट कर रहे हैं तो जिस जगह मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पे विजय स्तंभ, इस जगह पर जरूर विजिट करें, क्योंकि आपको यहाँ पे विजिट करने के बाद में सारा ही व्यू आपको पूरे तुगलकाबाद का देखने के लिए मिलेगा। ये बहुत ही एक बढ़िया चीज़ है, इस पे खड़े होने के बाद आपको लगेगा कि सचमुच आप पहाड़ी पर आ चुके हैं। तो बहुत ही तगड़ा व्यू, और यहाँ से पूरे किले का नज़ारा देख सकते हैं आप, किंग पैलेस का है, बावली का है, सारी चीज़ें दिख जाएगी भाई। तो एक बहुत ही बढ़िया है विजय स्तंभ। और इस किले के जो खंडर होने की जो कहानी है,
जो रहस्यमी बात है, जो शराब वाली बात है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों। अब तो माना जाता है दोस्तों, जिस समय इस किले का निर्माण चल रहा था 1321 में, तो उस समय बताया जाता है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के पास में बावली का निर्माण भी चल रहा था। तो बताया जाता है जो गयासुद्दीन तुगलक जो सुल्तान थे, वह बहुत ही ज्यादा उदारवादी थे। उन्होंने दोस्तों एक ऐलान किया था कि जो भी मजदूर है इस दिल्ली के अंदर, उसको मेरे ही किले में काम करना होगा। लेकिन उसी समय पर जो आप देखेंगे निजामुद्दीन में बावली बन रही है, उसका भी निर्माण चल रहा था। तो बताया जाता है कि जो मजदूर उस बावली में काम कर रहे थे, उन मजदूरों को सुल्तान ने आदेश दिया कि मेरे ही किले में आप लोगों को काम करना पड़ेगा। तो जो मजदूर हुआ करते थे उस समय में, वह रात में बावली में काम किया करते थे और दिन में इस किले के निर्माण में काम किया करते थे। और यह बात किसी तरीके से राजा को पता चली, तो राजा ने दोस्तों तहस में आकर के एक वहां पर जो तेल जा रहा था दिए जलाने के लिए, रात में काम करते थे दिए जला करके, तो उसने वह तेल बंद कर दिया था पूरी तरीके से, वहां पे रोक लगा दी थी, तेल नहीं जा रहा था। तो उस समय हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी करामातों से पानी से दिया जलाया और उसी से मजदूरों ने काम किया। फिर जब सुल्तान को पता चला कि सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के यहाँ बावली फिर भी बन रही है, तो दोस्तों सुल्तान बंगाल से लौट रहा था। उस समय उसने हजरत निजामुद्दीन औलिया को एक खत लिखा और कहा तहस में आकर के कि मेरे आने से पहले तुम्हें तुम दिल्ली छोड़कर चले जाओ। और उस समय हजरत निजामुद्दीन औलिया ने रिटर्न में जो खत लिखा था, कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। तो बताया जाता है जो सुल्तान थे वो दिल्ली से कुछ दूरी पहले रुके थे, वहां पर उनके बेटे ने मोहम्मद बिन तुगलक ने खेमे बना रखे थे। तो जिस खेमे के अंदर वो सुल्तान आराम फरमा रहे थे, तो दोस्तों जो खेमा बना रखा था वह खेमा टूट गया था और उस खेमे के अंदर दब करके उनकी मौत हो गई थी। तो सुल्तान का इंतकाल उसके उसमें दब करके हो गया था। और बताया जाता है इतिहासकारों के द्वारा ये अनुमान लगाया जाता है कि जो वह साजिश थी वो खेमा गिरने की, वह उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक की रची हुई साजिश थी ताकि वह दिल्ली पर हुकूमत कर सके। तो दोस्तों ये था इस किले का इतिहास, इसके खंडर होने की कहानी, जो कि मैंने आपको आज के इस ब्लॉग में बताई। अगर आप हिस्ट्री से लगाव रखते हैं और आप जानना चाहते हैं कि हमारा जो दिल्ली शहर है बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ों से भरा हुआ है, और आप चाहते हैं कि आप घर बैठे वो चीज़ें जान सके उसके इतिहास के बारे में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बताइएगा एंड वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूँ दोस्तों किसी नेक्स्ट हिस्टोरिकल ब्लॉग के साथ में, और आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड।